गुड मॉर्निंग, आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास प्रेप। दिस इज आवर डे 6 डे शेड्यूल। इन इंग्लिश कॉपी अपोजिट एंड माइसेल्फ, जीके कॉपी टाइप्स ऑफ हाउसेस, मैथ्स कॉपी टाइम, हिंदी कॉपी स्वर मात्रा और शब्द। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्ट विद द वी स्टार्ट विद द अपोजिट्स। बिग का अपोजिट क्या होगा? Small. Come. Go. Go in. Out. Open. Close. Dry. Wet. Fat. Thin. Up. Down. Near. Far. Happy. Dead. Yes. No. No. ये सब विद स्पेलिंग राइट इन योर इंग्लिश कॉपी एंड इंग्लिश कॉपी दिस क्वेश्चन आंसर। दिस इज योर होमवर्क, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देख लीजिए। ओके मैम। व्हाट इज योर नेम? उसको लिखेगा। व्हाट इज योर फादर्स नेम? हाँ। व्हाट इज योर मदर्स नेम? मिसेस रेनगो। हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 4 इयर्स। ओके ओके, नाउ वी स्टार्ट द टाइम। मैथ में हम लोग टाइम पढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड आवर हैंड। आवर हैंड जो होती है वो स्मॉल होती है एंड दिस इज कॉल्ड मिनट हैंड। मिनट हैंड जो होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है। तो जब मिनट हैंड 12 पर होती है और आवर हैंड किसी भी नंबर पे होती है तो उतने ओ क्लॉक होता है। जैसे इसमें मिनट हैंड 2 पे है ना तो 2 o'clock, इसमें मिनट हैंड 8 पे है तो 8 o'clock, इसमें मिनट हैंड किस वो आवर हैंड सॉरी आवर हैंड 4 पर है और मिनट हैंड 12 पे है तो 4 o'clock, इसमें आवर हैंड 10 पर है तो 10 o'clock, 6 पर होगी आवर हैंड तो 6 o'clock हो जाएगा, 7 पर होगी तो 7 o'clock हो जाएगा, 8 o'clock हो जाएगा, ठीक है 9 पर। लेकिन मिनट हैंड जो है वो 12 पे रहनी चाहिए। ठीक है, नाउ दिस इज द होमवर्क। इसमें कितना बजा है बताइए? हाउ व्हाट इज द टाइम इन दिस क्लॉक? 5 o'clock। क्या बोलेंगे? 5 o'clock। ओ मतलब ओ फॉर ऑरेंज। इसमें व्हाट इज द टाइम इन दिस वॉच? 11 o'clock। बिकॉज शॉर्ट हैंड इज एट 11। व्हाट इज द टाइम इन दिस क्लॉक? 1 o'clock। बिकॉज शॉर्ट हैंड इज ऑन द 1। व्हाट इज द टाइम इन दिस क्लॉक? 9 o'clock। 9 o'clock. This is your homework. Complete it in your copy. Now types of houses. Hut, houseboat, flats, igloo, caravan and tent house. These are the types of houses. Samiksha, sit properly in the class. Fold your hands. Samiksha, fold your hands. Sit straight. 6 types of houses: hut, houseboat, flats, igloo and caravan. 1 page is your classwork, but in classwork you will write 2 times and 1 is your homework. In homework you will write in 2 times. 2 times aapko homework mein bhi karna hai usko. Theek hai? Now in Hindi, Hindi mein kya hum log ka CW hai? Ye dekhiye. आ की मात्रा कैसे होती है? ऐसे। बड़ी छोटी की मात्रा इधर घूमती है,
बड़ी की मात्रा दूसरी तरफ घूमती है, छोटे उ की मात्रा ऐसे लगती है, बड़े उ की मात्रा आप सब पढ़ चुके, दिस इज योर रिवीजन, ये सब आपका रिवीजन है। ए की मात्रा, इस ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा और चंद बिंदु। तो अभी आप स्वर लिखोगे, आ से अंग तक लिखने के बाद, लेकिन आप चांद बिंदु भी एक बना दोगे, ठीक है। फिर मात्रा उसकी कैसे लगती है आपको उसको लिखना, फिर उस मात्रा से कौन से शब्द होते हैं, जैसे आ से बड़ा, आ से अनार शब्द होता है ना, अनार में ना में मात्रा लगी है, गमला, हाँ, आटा लिख सकते हैं, गमला लिख सकते हैं, बाजा, ताला, माला, कोई भी थ्री वर्ड्स यू राइट इन द कॉपी, आपको थ्री वर्ड्स को कॉपी में लिखना है। छोटी की मात्रा दिन लिख, हाँ, दिन, हिरन और गिलास, आप कोई भी शब्द लिख सकते हो आपको आता है, हाँ। इसमें पेरेंट्स डिक्टेशन खाली नहीं करेंगे, बोलेंगे आप अपने से। बड़ी की मात्रा मछली, लड़की, लकड़ी। छोटे उ की मात्रा कुल, गुड़, चुप, बुन, धुन। बड़े उ की मात्रा पूजा, फूल, झूला, आलू, भालू, मूली, सब बड़े उ की मात्रा। ऋषि, रा से ऋषि, ऋषि से मृग, नृप, घृत और कृपा, कृषि। एक ही मात्रा पेड़, सेब, शेर, है ना। एक ही मात्रा पैर, बैल, भैंस। ओ की मात्रा चोर, मोर, शोर, मोटा, गोला, रोटी। आ की मात्रा फौजी, पौधा, लौकी, मौसी, खिलौना, बिछौना। अंग की मात्रा रंग, अंग, बंग, बंदर, अंदर, पतंग, पलंग, कंगन। और चांद में बिंदु अंगूर, वाले माँ, हाँ, अंगूर। चा के बिंदु वाले माँ, दांत, आंख, चांद, ठीक है। और होमवर्क इज योर, ऊ की और बड़े ऊ की मात्रा वाले आपको 10-10 शब्द लिखने हैं ना। पोयम टाइम, आंटी कैट, आंटी कैट। आज सब बच्चे अपनी मम्मी को सुनाएंगे, आंटी कैट, आंटी कैट, वेयर हैव यू। आप लोग को, हाँ, और मी पोयम भी सुनाएंगे। 10 little finger, 10 little toes, 2 little eyes एंड 1 nose, What else I can be, there be, that belongs to happy me. Teeth shining on so bright, I brush them every night. There is my curly hair and the ribbon that I wear. I have a pretty coat and a little red bow. There are lots of things I see that belongs to happy me. पिगी ऑन द रेलवे, सब पोयम आज सब बच्चे अपनी मदर्स को सुनाएंगे। ये वाली गाड़ी कहती छुक छुक कर, धुआं उड़ाती रुक रुक रुक। और तारे देखो वो देखो, आसमान में तारे टिम टिम करते कि, सब पोयम आज बच्चे अपनी मदर्स को सुनाएंगे, ओके। हाँ, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द कलर, दिस इज द कलर ब्लू। वायलेट, व्हाइट एंड ब्लैक, दीज ऑल आर द कलर्स। एंड दिस इज द शेप, विच शेप इज दिस, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ओवल, डायमंड। नाउ दीज आर द फेस्टिवल, दिस इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, होली, दिस इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, दिवाली, दिस इज द बर्थडे ऑफ लॉर्ड कृष्ण, जन्माष्टमी, दिस इज दशहरा, दिस इज द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्रिसमस, नेक्स्ट इज ईद,
दिस इज नवरात्रि, गणेश चतुर्थी, ओणम एंड रक्षाबंधन. दीज ऑल फेस्टिवल वी सेलिब्रेट इन इंडिया. नाउ फ्लावर्स, LOTUS लोटस, ROSC रोज, MARIGOLD मैरीगोल्ड, TULIP ट्यूलिप, SUNFLOWER सनफ्लावर, JASMINE जैस्मिन, DAISY डेज़ी. Now LION lion, CAT cat, COW cow, GOAT goat, HORSE horse, TIGER tiger, ELEPHANT elephant, MONKEY monkey, BEAR bear, ZEBRA zebra, CAML camel, GIRAFFE giraffe, SHEEP sheep. Now what does a cow eat? A cow eats grass. What do elephant eat? What do elephant eat? Elephant leaves and plants. What do sheep eat? Sheep eat grass. Which animal eat grass? Cow, goat and sheep eat grass. What do rabbit eat? Rabbit eat carrot. What does a parrot eat? A parrot eat chilies. Which animal eat grains? Pigeon, hens and bird eat grains. What does a squirrel eat? A squirrel eat nuts. What does a monkey, what do monkeys eat? Monkeys eat bananas and nuts. What does a duck eat? A duck eats worms. What do frogs, spider and lizard eat? Frog, spider, lizard eat worm insects. What does a cat eat? A cat eats fish. What does a dog eat? A dog eats bones. What do the lions and tigers eat? Lion and tigers eat other animals. Many animals. Okay, children. And now complete all your exercises in your copy. Good day.